हाय गाइस, आई एम वैभव सैनी एंड वेलकम टू टेकाड्रॉन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोसेसर्स के बारे में। जब बात पीसी बिल्डिंग की आती है और स्पेशली बजट गेमिंग की, तो हम सब मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेसर लिया जाए जो हमें बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के साथ साथ एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस दे। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और पांच ऐसे बजट प्रोसेसर्स के बारे में बताने वाला हूं जो तुम लोग आराम से 10,000 रुपीज के अंदर बाय कर सकते हो। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। आजकल जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स की जो ऑनलाइन मार्केट है वो काफी ज्यादा हाई हो रखी है और काफी ज्यादा उस पर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं, काफी ज्यादा क्या हद से ज्यादा हाई हो रखे हैं। तो तुम लोगों को मार्केट से ही खरीदना चाहिए कोई सा भी पीसी कंपोनेंट इन दिनों, मतलब ये जो अभी मंथ्स चल रहे हैं या कुछ आने वाले 2-3 महीने, तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ना ही करो पीसी कंपोनेंट्स की तो अच्छा रहेगा। जितना हो सके मार्केट से शॉपिंग करने की कोशिश करो पीसी कंपोनेंट्स की, तो तुम लोगों के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। हमारे काउंटडाउन का सबसे पहला प्रोसेसर है पेंटियम G4560। ये इंटेल का 7th जनरेशन प्रोसेसर है, डुअल कोर है और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये कैबिलेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जब बात आती है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो ये बाकी सारे प्रोसेसर्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफी कमाल का है। अगर बात करें हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये तुम लोगों को i3 के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस दे देगा, वो भी उसके हाफ प्राइस में। अगर तुम इसे मार्केट से खरीदोगे तुम लोगों को करीब 4500 से 5000 का पड़ जाएगा। अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये तुम लोगों को आराम से 1080p पे गेमिंग कराएगा हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स में, अगर तुम इसे एक डिसेंट जीपीयू के साथ पेयर कर दो तो। चलो बात कर लेते हैं अपने काउंटडाउन के दूसरे प्रोसेसर की। हमारे काउंटडाउन का दूसरा प्रोसेसर है AMD का Ryzen 3 1200। ये एक क्वाड कोर CPU है और AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर लाइनअप में से एक है। अगर इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखा जाए तो ये काफी कमाल का है। ये तुम लोगों को मार्केट में आराम से 5500 से लेके 6000 तक का मिल जाएगा। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 3.4 GHz है। ये एक अनलॉक्ड CPU है, यानी कि तुम इसे आराम से ओवरक्लॉक कर पाओगे। इसके साथ तुम लोगों को मिल जाता है AMD का रेथ स्टेल्थ कूलर और ये एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ से मेरा मतलब है कि तुम लोग इसमें वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर पाओगे। VR रेडी प्लेटफॉर्म है और इसका टोटल केज मेमोरी जो है वो 10 MB से ज्यादा है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। ये तुम लोगों को आराम से 1080p हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स की गेमिंग कराएगा अगर तुम इसे एक डिसेंट GPU के साथ पेयर अप कर दोगे तो। हमारे काउंटडाउन का तीसरा प्रोसेसर है AMD का Ryzen 3 1300X। ये भी एक क्वाड कोर CPU है और AMD की तरफ से है, उनकी फर्स्ट जनरेशन CPU लाइनअप में से ही एक है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 3.7 GHz है और ये पिछले वाले AMD Ryzen 1200 से काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब उतना फास्ट नहीं है पर कंपेरेबल है। और इसका प्राइस तुम लोगों को मार्केट में मिलेगा अराउंड 8500 से 9000 तक। ये तुम लोगों को आराम से इतने प्राइस में मार्केट में मिल जाएगा और ये काफी डिसेंट CPU है, 110 volts पे रन करता है और ये इसके साथ भी तुम लोगों को रेथ स्टेल्थ कूलर फ्री में मिल जाता है। और अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो ये भी तुम लोगों को आराम से 1080p गेमिंग कराएगा अल्ट्रा सेटिंग्स में अगर तुम इसे एक डिसेंट GPU जैसे कि 1060 के साथ पेयर अप कर दो तो। और ये तुम लोगों के काफी सारे GPUs ऐसे हैं, हाई एंड GPUs हैं, उन्हें बॉटलनेक नहीं करेगा, मतलब ये हाई एंड गेमिंग के लिए भी यूज करा जा सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी कमाल का CPU है। हमारे काउंटडाउन का चौथा प्रोसेसर है AMD का Ryzen 3 2200G। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसने तो सारे के सारे Ryzen 3 घुसा दिए, लेकिन इस प्रोसेसर को इंक्लूड करने का एक बहुत ही खास रीजन है। AMD का Ryzen 3 2200G Radeon Vega 8 ग्राफिक्स के साथ आता है। इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, यानी कि अगर तुम लोग GPU अफोर्ड नहीं कर सकते हो और अगर तुम GPU यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो तुम लोगों को काफ़ी डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है ये प्रोसेसर। इस पर तुम लोग आराम से 1080p पे गेमिंग कर पाओगे लो टू हाई सेटिंग्स में। हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने सही सुना, ये आराम से तुम लोगों के सारे गेम्स लगभग लो टू हाई सेटिंग्स पे चला देगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे ही काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे देगा तुम लोगों को। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की अगर तुम इसको GPU के साथ पेयर अप कर दोगे तो। अगर तुम इसे GPU के साथ पेयर अप कर दोगे तो तुम लोगों को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल जाएगा गेमिंग परफॉर्मेंस में, ये बाकी के Ryzen 3 को आउट परफॉर्म आराम से कर देगा। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो तुम लोगों को मार्केट में 9000 का मिलेगा, 9000 से 9500 तक का आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने काउंटडाउन के फिफ्थ और लास्ट प्रोसेसर की। हमारे काउंटडाउन का फिफ्थ और लास्ट प्रोसेसर है इंटेल का i3 8th जनरेशन। ये इंटेल के लेटेस्ट कॉफी लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और क्वाड कोर है। इंटेल ने अपने लेटेस्ट आर्किटेक्चर के ही चलते इसको क्वाड कोर बना दिया है। अब तक i3s जो हमने देखे हैं वो डुअल कोर होते थे और हाइपर थ्रेडिंग पे बेस्ड होते थे। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जो है वो 3.6 GHz मिल जाती है तुम लोगों को
और इसका सॉकेट जो है वो अपना पुराना i3s वाला ही है, LGA 1151 सॉकेट पे वर्क करेगा। ये DDR4 मेमोरी सपोर्ट करेगा 2400 मेगाहर्ट्ज़ से अबव और 2400 मेगाहर्ट्ज़ की। इसमें तुम लोग को 4 कोर और 4 थ्रेड मिल जाते हैं, और अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का बात करी जाए तो ये काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा तुम लोगों को अगर तुम इसे एक डिसेंट GPU के साथ पेयर अप कर दो। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं तुम लोगों को, तो अगर तुम लोग GPU अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो भी तुम लोगों का काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं इंटेल के CPUs मल्टीटास्किंग में तो हमेशा से ग्रेट रही हैं, तो मल्टीटास्किंग भी तुम लोगों को काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा ये प्रोसेसर। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो तुम लोगों को अराउंड 9500 टू 10000 में मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं तुम लोगों को यही बताना चाहूँगा कि तुम लोग अगर कोई भी PC का कंपोनेंट खरीद रहे हो फिलहाल तो मार्केट से ही खरीदो, ऑनलाइन बाय। दोस्तों अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को और कौन कौन से बजट प्रोसेसर्स के बारे में पता है, या फिर तुम लोगों को और कौन कौन से बजट प्रोसेसर्स अच्छे लगते हैं। तो अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो और तुम लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं गेमिंग से जुड़ी हुई और PC बिल्डिंग से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.